रेवाड़ी में चोरों ने जमकर आतंक मचाया और 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोर नकदी व सामान चोरी करके फरार हो गए। चोरी की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली रोड स्थित केएलपी कॉलेज के सामने आधा दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए। सबसे पहले चोरों ने फोटो स्टूडियो का ताला तोड़ा, जिसके बाद एक मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जैसे ही चोरों ने रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर पहुंचे और ताला तोड़ा तो दुकान के ऊपर बने कमरे में सो रहे युवक ने शोर मचा दिया और चोर भाग खड़े हुए, जिसके बाद तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही चोर भाग निकले। चोरी की यह वारदात मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरी की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर चोरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि 3 दिन पहले भी चोरों ने मुख्य बाजार में दुर्गा मंदिर सहित 3 स्थानों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने तुरंत चोरों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में देखना होगा कि इस वारदात में चोरों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी वो नहीं है, पति प्रशासन चुपचाप बैठा हुआ है और चोरों को बिल्कुल डर ही नहीं है। खुलेआम रोड अंडर लेके जा रहे हैं, मेरा लड़का ऊपर जो सो रहा था वो उठता है, उसको वो उसको धमका रहे, चोर उल्टा ही उनको धमका रहे हैं, तो क्या प्रबंध है बताओ आप। पहली तरफ चला गया, फिर दोबारा मुड़ के आया, मैं कौन है, मैं क्या लगा भाई बिल्कुल ही चोर ही है, ऐसा पूरा अनुभव हो गया भाई चोर ही है। मैं उनको डांटा ऊपर से, मैं चलो डांट के ये भाग जाए या रुक जाए कैसे, फिर मैंने देखे भाई 8-10 बंदे हैं वो, तो मैं फिर ऐसे डर गया, मैं 8-10 बंदे ना पता क्या बात हो जाए। उसके बाद में फिर उन्होंने डांटा, फिर उन्होंने मेरे को डांटा, चुप रहे भाई तेरे को क्या लेना देना है, मेरा भाई सोया हुआ था साथ में ऊपर, तब वो और मैं दोनों उठ के पीछे आवाज़ लगाई, भाई मोहल्ले वाला जग जाओ चोर वगैरह आए हुए हैं इस तरह, भाई किसी ने आवाज़ सुनी या ना सुनी कोई भी नहीं आया। फिर मैं नीचे आया, शटर खोला, देखा इनकी जींस की दुकान का शटर टूटा हुआ था। फिर मैं उनके कॉलेज वाले चौकीदारों को बुलाया, उनके लाइट वेट लगवाई, दिखाया यहाँ एक शटर टूटा हुआ था, मैंने भाई यही हुआ है। फिर मैंने इनको बुलाया फ़ोन करके कि भाई साहब आए, फिर साथ में देखा कि मेडिकल भी शटर टूटा हुआ है, मेडिकल वाले भी आए। परली तरफ फिर मैंने पुलिस के पास फ़ोन करवा दिया, भाई साहब ने ऐसे 100 नंबर पर फ़ोन किया, फिर पुलिस वाले भी आए, जब उनने जांच वगैरह की, जब पता लगा कि भाई स्टूडियो का शटर टूटा हुआ है, जब सारे मिलके बातचीत कर रहे, फिर इकट्ठे हो गए सारे, हाथ में रोड, हाँ सबके हाथ में रोड वगैरह थी, 2-3 बंदों के हाथ में रोड थी और चेहरा कुछ का ढका हुआ था, कुछ का सिंपल भी था। आज हमारे को पुलिस को सूचना मिली थी कि केएलपी कॉलेज के सामने आज रात को कुछ लड़के जो हमारे सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी, यानी कि उनकी आइडेंटिफिकेशन करवाई जा रही है, कि ये करीब 5-7 लड़के थे जिन्होंने रात को केएलपी कॉलेज के सामने 3 दुकानों के ताले तोड़े और जो ऊपर एक व्यक्ति सो रहा था उसकी निगाह नज़र खुलने पर, उसकी निगाह पड़ने पर जब ऐसे उन्होंने शोर मचाया तो वो भाग खड़े हुए। पुलिस को भी तुरंत इतला दी गई थी और पुलिस भी मौके पर तुरंत पहुँच गई थी, परंतु वह अंधेरे का फायदा उठा करके वो भागने के अंदर कामयाब हो गए। जहाँ तक कि असुरक्षा का माहौल है, हमारी पुलिस राउंड द क्लॉक और रात को विशेष तौर के ऊपर ये गश्त जारी कर रख रही है और जैसे रात को भी बताया तो तुरंत पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। तो इस बारे में मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस संबंध में हम और भी कड़ी गश्त करेंगे और किसी प्रकार किसी भी इस प्रकार की वारदात को रोकने के लिए।